फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेमिंग क्लासेस। आई एम प्रेम गहलोत। देन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं खेलों से संबंधित 55 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण, जो हर एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीजों का एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए लाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल जो बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। जनरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लेक्चर डाला था, बट एक क्वेश्चन में डाउट होने की वजह से जिस कारण से मैंने ये वापस से लेक्चर डाल रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो सबसे पहले ये जो डाउट था हम उसको क्लियर कर लेते हैं। ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया था, खाली एकमात्र खिलाड़ी के साथ लिया था, जिसमें 2 रजत पदक जीते थे। देन उसके बाद 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारत ने पहली बार टीम भेजी थी। तो ध्यान रखिए, अगर टीम का आए तो ध्यान रखिए 1920 में, और अगर एकमात्र खिलाड़ी के बारे में पूछा जाए तो 1900। अब उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से चालू हुई? ध्यान रखिए 1928 से चालू हुई है, और 1928 से ही चालू हुई है तो देन एक चीज याद रख सकते हैं, तो भारत की तरफ से हॉकी टीम ने भाग लिया था 1928 के एमस्टर्डम। तो आप याद रख सकते हैं मशाल किनने जलाई थी? भारतीय टीम की हॉकी ने जलाई थी। तो आपको दोनों ईयर याद रहेंगे। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी मिली है, ध्यान रखिए द्वितीय ओलंपिक 1900 पेरिस फ्रांस में मिली है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिए जेनेवा में। जेनेवा में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते आए हैं लुसेंट की विविध में, तो ध्यान रहेगा एक और म्यूजियम ओलंपिक का कहाँ है? जेनेवा में। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, अब ध्यान रखिए कॉमनवेल्थ को क्या बोला जाता है? राष्ट्रमंडल खेल नामकरण दिया गया, तो ध्यान रखिए। उसके बाद 1930 से आप लोगों को मैं दो चीजें याद कराने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई है। इसी के साथ में पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहां हुई? तो ध्यान रखिए 1930 में चालू हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल भी 1930 हैमिल्टन कनाडा में होता, और पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। यहाँ पे दो क्वेश्चन होगा, इसी से याद कराऊंगा। 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे ने ही क्या करा, प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीता है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए भारत को कहा जाता है। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिए मार्च 1951 नई दिल्ली में हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एशियाई खेलों का जनक कौन है? भारत है। एशियाई खेलों का नामकरण किसने करा है? ये ध्यान रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा है। देन उसके बाद देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभांकन 1924 से हुआ है, और इसमें फिर पूछा जाता है आपको एक और रिलेटेड क्वेश्चन कि ये राष्ट्रीय खेल कितने वर्षों में होता है? तो ध्यान रखिए प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, ये आपके डेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किस केस में? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यान रखिए सबसे पहला संस्करण कब हुआ? 2002 में हुआ। ध्यानचंद की आत्मकथा बार बार पूछते हैं, तो ध्यान रखिए गोल है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गोल किसकी आत्मकथा है, तो आपको याद रहना चाहिए ध्यानचंद की है आत्मकथा। क्रिकेट के प्रथम विश्व कप खेला गया तो 1975 इंग्लैंड में खेला गया था। अब जनरली हम कंफ्यूजन होते हैं कि प्रथम विश्व कप, हम ये नाम याद रहता है कि विश्व कप वर्ल्ड कप है, बट हमें ये नहीं मालूम कि उस कप का नाम क्या। तो ध्यान रखिए हर एक कप का अलग अलग नाम रहता है, तो फर्स्ट कप का था प्रूडेंशियल कप था नाम, ये आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। देन प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 के भारतीय टीम के कप्तान थे वेंकट राघवन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट पिच, ये ध्यान रखिए क्रिकेट पिच पॉपिंग क्रीज और स्टेम के बीच की दूरी होती है 4 फुट होती है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? मिताली राजे। और पूछ सकते हैं अगर टफ पेपर करेंगे तो किसके विरुद्ध बनाया था? इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया था। देन क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है? तो विजडम नामक एक वार्षिक पत्रिका आती है उसे कहा जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? ध्यान रखिए क्रिकेट से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी। अगला पॉइंट देखते हैं हम, आईसीसी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ध्यान रखिए 1909 दुबई में हुई थी। विश्व का सबसे प्राचीन खेल पूछा जाता, कभी कभी हिस्ट्री में भी आ जाता क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिए सबसे प्राचीन खेल है पोलो है। भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन था? सीके नायडू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीके नायडू। प्रथम टी20 विश्व कप क्रिकेट मैच कब
कहाँ आयोजित हुआ, तो ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका 2007 में हुआ था, आप सभी को मालूम होगा कौन जीता था, भारत जीती थी। एंड देन कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका 2007। T20 मैच की अवधारणा बार बार पूछते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए किसने, मार्टिन मार्टिन ने दिए, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे, ध्यान रखिए मार्टिन ने दिए। T20 मैच की अवधारणा बार बार पूछते हैं। देन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, सचिन तेंदुलकर है, और ये फरवरी 2010 में कर रहा था। अगर आपको याद रखना तो ये वन हटा दीजिए, यहाँ पे 200 रन बन जाएंगे, और 2010 और ग्वालियर एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व कप महिला विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया था, 1973 में खेला गया था। और एक और चीज याद कराना चाहूंगा, और ये किसने जीता है, इंग्लैंड ने ही जीता है, और इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड ने ही जीता था, ध्यान रखिए। वनडे और टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर वसीम अकरम कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। देन उसके बाद कटिंग एज आत्मकथा है मियादाद की है। थर्ड अंपायर का ये बहुत बार क्वेश्चन आया, थर्ड अंपायर का सबसे पहला शिकार बनने वाले शिकार कौन बने थे, सचिन तेंदुलकर बने थे। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है, पिंग पोंग नाम, ध्यान रखिए। देन अर्जुन पुरस्कार अर्जुन कब आया, 61 में, ध्यान रखिए अर्जुन पुरस्कार 1961 में चालू हुआ। अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों पुरस्कार में दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं, आप ध्यान रखिए। अर्जुन ध्यान रखिए अर्जुन पुरस्कार 61 में आया था, देन उसके बाद द्रोणाचार्य 1985 में आया था। द्रोणाचार्य जो अभी मैंने बताया है कब आया, 1985 में आया है। विश्व कप की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्थान फेडरेशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब है, मोहन बागान है। देन कोपा अमेरिका कप किससे संबंधित है, ध्यान रखिए फुटबॉल से संबंधित है। और इसके पहले हम फुटबॉल के देख के आए, उरुग्वे 1930 में जीता, 1930 से 2 पॉइंट याद करते। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल किसने जीता है, ब्राजील ने। देन उसके बाद ब्लैक पर्ल जैसे अलग अलग नाम दिए थे, ध्यानचंद जैसे नाम है जादूगर हॉकी के, वैसे ही ब्लैक पर्ल किसका है, फुटबॉल का है, उसका नाम क्या है, पेले बोला जाता है, ध्यान रखिए। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल संप्रदाय कौन सी है, स्पर्धा कौन सी है, ड्यूरेंट कप है, ध्यान रखिए एक और क्वेश्चन हो गया, फुटबॉल का कप होता है ड्यूरेंट कप कहलाता है। देन क्रिकेट के वह फुटबॉल जन्मदाता कौन है, फुटबॉल का इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे, ओलंपिक में भाग लिया थे, जगपाल सिंह थे। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था 1908 और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि रहती 70 मिनट और फुटबॉल मैच की रहती 90 मिनट, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ये थे पूरे 55 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाते रहूंगा, आप जरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ में नेक्स्ट दिन जो है 2017 के जितने भी अवार्ड और गेम्स से रिलेटेड हुए तो ये वीडियो भी मैं लाऊंगा। देन कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला है पीएससी और इन सब की गाइडेंस दें, और मैं अब टेस्ट सीरीज भी चालू करूंगा जो 100% एक्यूरेसी के साथ आई मिलेगी आपको, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।